देख सकते हो गाइस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? हम सब बड़े हैं माशाल्लाह। और आप सब तो ठीक हो ना? इफ्तारी की तैयारी सना ने की, मैंने नहीं की। मैं तो देख नहीं हूँ सना क्या कर रही है। देखो आधा आधा छोड़ देती सना थोड़े से। बादाम काट के पकाए थे ना, वो पसंद है मुझे। मोहब्बत का शरबत बोलते हैं इसे, और बहुत अच्छा लगता है मुझे तो ये शरबत, बहुत पसंद आया। बर्फ जम गए इसमें, फ्रिज में रख दिया, सिलाई मार रही हूँ। कहते हैं हर काम बिस्मिल्लाह पढ़ के करना चाहिए, हर काम बरकत होती है बिस्मिल्लाह। देखो बर्फ जम गए, अब इसमें डालनी है चीनी, थोड़ी बर्फ भी पिघलने दो, डाल दो या चीनी डाल दो, पहले कुछ भी डाल दो, बनेगा तो शरबत ही। तरबूजे बारीक कटा हुआ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक बार तो ये पीलेगा ना मोहब्बत शरबत, तो रोज बनेगा, बना के पियेंगे रोज, इसकी आदत हो जाएगी। बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ये बादाम डाल देती हूँ मैं कटी हुई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये बादाम डाल दी मैंने, और हमारे ना सबको इतना पसंद आया, इतना पसंद आया ये शरबत कि कहते रोज ये बना लिया करो कभी तो। और कच्चा दूध का आप बना के देंगे ना, यकीन नहीं करोगे, बहुत अच्छा लगेगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। इसको रख देती हूँ फ्रिज में, बस। देखो गाइस हमारा जग पानी का बर्फ जम के, और इसमें पीछे से देखो क्या हो गया। तो कभी भी ना बर्फ में नहीं लगना चाहिए पानी भर के जग में। देखो हमारा जग खराब हो चुका है, नीचे देखो पींदा निकल चुका है नीचे से, देखो जग ही खराब हो गया, टिकी नहीं रहा नीचे से, जब खराब हो चुका है। आप कभी भी ये गलती मत करना, मुझसे ये गलती हो चुकी है, बर्फ पानी में रख दी, पानी भर के फिर बिगड़ गए। देखो टंकी भर के पानी आ रहा है, हमें पता ही नहीं चला। अब कर रहे खाना बनाने की तैयारी, तो खाना बनाने में टाइम तो लगता ही है। लहसुन छीलने के बाद में मैं ना लहसुन की नमाज पढ़ लूंगी, फिर उसके बाद में तैयारी करूंगी, मैं दाल चढ़ाऊंगी। दाल बाटी बना रही हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, पता नहीं दिमाग खराब होता है रोज की रोज खाने में क्या बनाऊँ। आज कोई कहते आज ये मत बना, वो मत बना, दाल बन चुकी। देखो गाइस अरे मैं लगाऊंगी आटा, देखो दाल मस्त लग रही है, दाल मूँग मसूर की दाल तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, चने की नहीं लगती इतनी अच्छी, मूँग मसूर की लगती है। Thank you.
में दही डाल के बनाऊंगी बाटी। तो आटा दही से गूंदूंगी, यहाँ थोड़ा बहुत दही डाल दिया मैंने। मगरिब की नमाज पढ़ ली और मैं बना रही हूँ बाटी और दाल आपको दिखाती हूँ। दाल बन चुकी है और बाटी से एक हुई मैं नमाज पढ़ने के बाद में। और देखो गाइस दाल दाल तैयार है, देखो। देखो आखिरी आखिरी बाटी में बाटी तो करारी करारी से। गाइस हम नीचे जा रहे हैं, खाना बन चुका है, खाना लेके नीचे आ रहे हैं, नीचे खाएंगे सब मिलके खाना एक साथ। ईशा की अजान भी हो गई तो नमाज पढ़ के खाना खाएंगे हम। तो नीचे ले जाती हूँ मैं खाना, मेहरबानी दीदी।